आज की जो क्लास है वो है सैम्पलिंग और आप अपनी जो नोटबुक्स बना रहे हैं ना उसमें अच्छे से मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो कि सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है 2013 से लेके 2024 के पेपर में 24 की प्रोडिक्शन में कर रही हूँ सैम्पलिंग के ऊपर एक से दो क्वेश्चन पेपर टू में आते ही आते हैं तो चलिए अभी हम आज की क्लास जो है शुरू करते हैं हमने डाउट्स एंड प्रैक्टिस सेशन जो है वो कल ही कर लिया था आज हम करेंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आज ये सारा का सारा हम कवर करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि सैम्पलिंग होता क्या है सैम्पलिंग क्या होता है ना कि एक रिसर्चर होता है वो किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहता है वो चीज़ हो सकता है इनफाइनाइट है या बहुत ज़्यादा बड़े नंबर के ऊपर है बहुत बड़े तादाद में है तो अब आप सभी के ऊपर तो रिसर्च नहीं करोगे है ना अगर कोई फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट है वो गंगा जो है रिवर गंगा है उसके ऊपर रिसर्च करना चाहता है अब वो सारा का सारा पानी थोड़े ले लेगा ले गंगा का वो क्या लेगा जगह जगह से कुछ कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ कुछ सैम्पल लेगा उसी प्रकार से अगर कोई साइंटिस्ट है ठीक है वो जो मिल्क फैक्ट्रीज होती हैं सपोज वेरका है, है अमूल है है ना डिफरेंट डिफरेंट वीटा है सपोज वहाँ पे फूड इंस्पेक्टर्स जाते हैं और फूड इंस्पेक्टर चेक करना चाहते हैं कि वहाँ पे जो दूध है उसमें मिलावट तो नहीं है या किसी मिठाई की दुकान पे कितने छापे पड़ते हैं ना फूड इंस्पेक्टर्स मारते हैं तो अब वो जाके सारी मिठाइयाँ थोड़े खाते हैं वो उसमें से कुछ कुछ रैंडमली चीजों को पिक करते हैं और देखते हैं कि क्या वो चीजें सही है या नहीं या फिर एक सिंपल भाषा में बोलूं कि वो उसको स्टडी करते हैं इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है ना इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग बोलते हैं ठीक है जी तो जैसे मैंने आपको बोला कि एक जो रिसर्चर होता है वो पूरा का पूरा जिस भी चीज के ऊपर स्टडी करना चाहता है वो सबको रिसर्च नहीं कर सकता है ना फीजिबल नहीं होता अगर मुझे भारतीय लोगों के ऊपर यंग जो इंडियंस होते हैं उनके ऊपर रिसर्च करनी है तो करोड़ों की जनसंख्या है अकेली प्रियंका मैम थोड़े कर पाएगी हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिलके भी हमको सालों लग जाएंगे फिर भी हम करोड़ के करोड़ लोगों को ले नहीं पाएंगे क्योंकि हर मिनट कोई ना कोई बच्चा पैदा हो रहा है ना हर मिनट किसी की एज एटीन ईयर्स होती है कईयों की 25 फाइव से ऊपर होती है तो मतलब जो भी मेरा एज ब्रैकेट है उसमें कम ज़्यादा वेरिएशन तो हो रही है तो क्या करना है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर वो बेशक गंगा का पानी हो वो बेशक यमुना का पानी हो वो बेशक आपके शहर में बच्चे हों क्लास नौवीं के या भारत में यंगस्टर्स हों आप कभी भी उनको पूरी तरह स्टडी नहीं कर पाओगे आप में उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव कलेक्ट करते हो तो सपोज ये देखिए क्या है सपोज गंगा के ऊपर इसलिए ले रही हूं क्योंकि सबके लिए समझना इजी हो जाएगा ठीक है सपोज रिवर गंगा के ऊपर हम लोगों को रिसर्च करनी है कि क्या इसका पानी साफ है या नहीं है तो रिवर गंगा का जितना भी पानी है वो मेरे लिए होगा पॉपुलेशन ठीक है और गंगा जगह जगह गंगोत्री से शुरुआत होती है हरद्वार में जाती है पता नहीं कहां कहां जाती है तो सपोज मैं कोई भी पांच लोकेशंस जहां पे गंगा नदी बहती है उसमें से मैं एक एक लीटर पानी ले लेती हूं ठीक है फाइव तो ये जो मैंने क्या किया है ये जो पांच लोकेशन चूज की जिसमें से मैं एक एक लीटर पानी लूंगी ये क्या है ये रिप्रेजेंटेटिव होगा मतलब कि ये पूरे के पूरे गंगा के पानी को रिप्रेजेंट करेगा ये मेरा सैंपल है समझ में आया सबको पांच लोकेशंस मैंने कोई भी चूज की जहां से गंगा नदी बहती है एक एक लीटर पानी ले लिया अब वो पांच लीटर पानी जो अलग अलग लोकेशंस का है मैं उसको स्टडी करूंगी अगर वो पॉल्यूटेड आता है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर केमिकल आ रहा है या कुछ आ रहा है या पानी बिल्कुल साफ आ रहा है या उसके अंदर मिनरल्स बहुत अच्छे हैं तो हम उनको स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या था रिवर गंगा मेरी पॉपुलेशन हुई ये फाइव लोकेशंस जिसमें से अब ये जो पांच लोकेशंस है ना जहां से गंगा नदी बहती है ये मेरा सैंपलिंग फ्रेम होगा आगे मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगी ठीक है और इसमें से ये जो तुमने एक एक लीटर पानी लिया ये क्या है तुम्हारा सैंपल है जल्दी से बताओ सबको समझ में आ गया अभी हम स्टूडेंट्स के ऊपर आएंगे ठीक है उसी तरह अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है तो वो किसी खेत के ऊपर रिसर्च करना चाहता है अब वो सपोज देखना चाहता है कि गोभी लगी हुई है सपोज गोभी होती है ना वेजिटेबल लगा हुआ है अब गोभी में पेस्टिसाइड डाला या नहीं तो वहां पे पूरे खेत की गोबियां थोड़ी ना वो ले लेगा वो जगह जगह से अलग अलग लोकेशन से पांच छे गोभी उसमें से ले लेगा तो अब वो पूरा खेत क्या है उसकी पॉपुलेशन है उसमें हजारों गोभियां लगी हो सकती है वो सब के सब क्या है पॉपुलेशन है है ना उसमें से वो जो कुछ ढूंढता है रे उस एरिया में से लेफ्ट में से राइट में से चूज करूंगा सैंपलिंग फ्रेम होगा सपोज उस एरिया में सौ गोबिया लगी है सौ उनमें से वो एक दो उठा रहा है तो वो उसका सैंपल है एवरी तो अब ये जो प्रोसेस होता है जिससे कि हम रिप्रेजेंटेटिव उठाते हैं पॉपुलेशन का इसको हम बोलते हैं सैंपलिंग तो सैंपल क्या है पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव जिसको आप स्टडी करोगे इस प्रोसेस को आप बोलोगे सैंपलिंग और जिस चीज के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो वो होगा आपका पॉपुलेशन ठीक है सपोज रेणुका जो है रेणुका लखनऊ को बिलोंग करती है सपोज रेणुका बिलोंग्स टू लखनऊ और रेणुका पढ़ना चाहती है कि वहां पे जो भी बच्चे जो है वो नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं नाइन्थ ग्रेडर्स जो है लखनऊ के उनका क्या अचीवमेंट स्कोर है या उनका आईक्यू कैसा है अब लखनऊ में नाइन्थ क्लास में बच्चे तो लाखों पढ़ते हैं अब अकेली रेणुका जो है एक साल दो साल में थोड़े पढ़ पाएगी उनको से पढ़ पाएगी तो वो लखनऊ शहर में जितने भी स्कूल हैं उनकी लिस्ट बनाएगी उन लिस्ट में से वो कुछ स्कूल्स पिक करेगी अब हर स्कूल में भी पांच पांच छे छह सेक्शन हो सकते हैं नौवी के सबको थोड़ी ना स्टडी करेगी उसमें से भी कुछ बच्चे जो है वो चूज करेगी अपनी सैंपल में पांच सौ छे सौ सात सौ हजार मैक्सिमम अब ये सैंपल है लखनऊ के सारे नौवीं के बच्चे क्या थे पॉपुलेशन थे सैंपल भी अब किसी को कोई डाउट है अब कोई मुझसे पूछे कि मैम सैंपलिंग फ्रेम कैसे डिसाइड होता है किसी ने पूछा अभी तक बताओ जरा मैं तो नाराज हो गई तुमसे पॉपुलेशन समझ आ गया सैंपलिंग सैंपल प्रियंका मैं एक वर्ड यूज कर रही है सैंपलिंग फ्रेम कोई पूछेगा मेरे से मैम क्या होता है ये सैंपलिंग फ्रेम सोए क्यों इतनी इंटरेस्टिंग क्लास है आज की मुझे तुम्हारे कमेंट्स चाहिए बृष्टि का एक भावना का बस एक मिनट पहले बेम का आया हुआ है स्वाति का आया है वेरी वेरी क्विकली सोनल इज चैट बॉक्स टक टकोर वर्ड ओके हुमा का आया अभी लेटेस्ट अभी कोई नहीं जानना चाहता सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है तो इसलिए तभी मैं तुम्हारी मैम हूं तभी तुम मेरे स्टूडेंट्स हो क्योंकि पता है मुझे कि सैम्पलिंग फ्रेम में कहीं ना कहीं इशू आएगा चलो अब फ्रेम यहीं पे बात करते हैं रिवर गंगा को हटा देते हैं आपने एग्जाम्पल ले लिया होगा अब हम सैम्पलिंग जैसे मैंने क्या बोला था किसका नाम लिया था मैंने आ, मैं नाम भूल गई हूँ चलो मोपरना। लेट मी टेक मोपर्नाज नेम ओके नाउ लेट मोपरना कम टू माई सिटी मेरे सिटी चंडीगढ़ में मोपरना जो है वो आती है और मोपरना पढ़ना चाहती है कि जो चंडीगढ़ के नाइन्थ ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो सभी नाइन्थ ग्रेड स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं सबको समझ में आया वो रिसर्च करना चाहती है कि वो बच्चे जो चंडीगढ़ में गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें नौवीं कक्षा में जो पढ़ते हैं वो क्या योगा करते हैं या योगा नहीं करते दे डू योगा और नॉट है ना और अगर करते भी हैं तो कौन कौन सी योगा करते हैं अब सपोज मो पढ़ना ये स्टडी करना चाहती है मेरे शहर में आके अब मेरे शहर में तो सौ से अधिक गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सौ से अधिक गवर्नमेंट स्कूल और ऐसे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं कि वहां पे सात सात नौवीं के सेक्शंस हैं, कई कई सेक्शंस में नब्बे नब्बे बच्चे हैं कई कई सेक्शंस में सत्तर प्लस बच्चे हैं, लगा के देखो सौ स्कूल डेटा मिल जाएगा गूगल पे और ऑफिशियल वेबसाइट पे तो निकालो सौ में से नौवीं के, नौ के सपोज पांच सेक्शन हर सेक्शन में से गवर्नमेंट स्कूल के कम से कम सत्तर सत्तर बच्चे पचास तो छोड़ो भूल ही जाओ कहीं कहीं नब्बे भी है पॉसिबल है माओ पढ़ना के लिए पॉसिबल नहीं है तो इसके अंदर एक आपको बहुत ही मैं एप्लीकेंट चीज बताती हूँ एप्लीकेबल चीज जो बहुत प्रैक्टिकल है गवर्नमेंट स्कूल में आप ऐसे नहीं घुस सकते गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आपको अगर रिसर्च करनी है तो आपको डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वहां का जो होता है आपको उससे परमिशन लेनी होती है तो आप मोपड़ना सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जाएंगी वो बोलेंगे कि भाई मेरी रिसर्च ये है तो आपके सिटी के अंदर ये सौ स्कूल है आप मुझे बता दीजिए मैं कौन से स्कूल में कर सकती हूँ कोई भी दस स्कूल बता दीजिए सौ से अधिक है तो चलो मोपड़ना क्या कहती है कि आप मुझे कोई भी टेन स्कूल दे दीजिए तो अब अपनी हिसाब नहीं चलता वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और उसके यू uh, नो you know, जो भी लोग काम करते हैं वो आपको बताते हैं टिक 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 इन दस स्कूलों में आपको परमिशन मिली है तो अब मोपना को कितने स्कूल्स में परमिशन मिली है टेन अच्छा चलो परमिशन भी नहीं मिली मोपरना ने अपने हिसाब से दस स्कूल कुछ चूज करने हैं वो स्कूल कैसे चूज करेगी वो सैम्पलिंग है वो मैं आपको आगे बताऊंगी अलग अलग तरीके होते हैं ठीक है इन दस स्कूलों में हर स्कूल के अंदर हम मान लेते हैं वन स्कूल हैज नाइन के पांच सेक्शन पांच पांच सेक्शन है अब जैसे पचास स्टूडेंट ही ले लो दस स्कूल ठीक है हर स्कूल में पांच सेक्शन ठीक है पांच सेक्शन में पचास पच्चीस सौ प्लस बच्चे पच्चीस सौ क्या थ्री थाउजेंड प्लस हो जाएंगे अगर जनरली बात करें अब मोपर्ना थोड़ी ना रिसर्च कर पाएगी इन बच्चों पे मोपर्ना को फॉर एग्जाम्पल छे सौ बच्चे ही लेने हैं ठीक है तो अब नाइन स्कूल्स में से ये जो दस स्कूल्स उसको मिले हैं ना इसके सभी स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स, स्टडिंग ऑफ क्लास नाइन इन दीज टेन स्कूल्स और फाइव स्कूल विच एवर स्कूल गिवन टू यू आर योर सैम्पलिंग फ्रेम पॉपुलेशन में से तुमने कम कर दिया अब जैसे मैंने आपको बोला कि हर स्कूल में वो पढ़ना जाएंगी हर स्कूल में एवरी स्कूल हैज फाइव सेक्शन मान के चलो ढाई सौ बच्चे के, नहीं कर पाएगी ये चूज करती है कि चलो मुझे सिर्फ पचास स्टूडेंट्स जो है वो लेने मान के चलते हैं तो प्रिंसिपल इनको कहती है कि मेरे पास नाइन ए भी है नाइन बी भी है नाइन सी भी है नाइन डी भी है नाइन ई भी है चलो मैं आपको नाइन सी देती हूँ अब सारे पांचों के पांचों सेक्शन थोड़ी ना खराब करेगी प्रिंसिपल वो अपने हिसाब से कहती है नौवीं okay, सी में जाओ और ले लो वहां से डेटा कर लो तुम कलेक्ट उसी प्रकार से सेकेंड स्कूल में वो जाती है उसको नाइन्थ ए मिलती है ठीक है तो ये ऐसे ऐसे करके जो सेक्शंस मिलेंगे ना इसमें सभी बच्चे आपके सैंपल का हिस्सा बनेंगे ये होता है सैंपल सपोज वो 600 बच्चों के ऊपर रिसर्च करती है एक स्कूल से नाइन मिला दूसरे से नाइन मिला तीसरे से फिर से नाइन मिला तो वो सभी स्टूडेंट्स जो आपके रिसर्च का पार्ट बनेंगे वो है सैंपल उससे बड़ा जिसमें आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो कि सैंपल यहीं से ही चूज करना है वो होता है सैंपलिंग फ्रेम यस अनुराग एग्जैक्टली सो अब सब सबको समझ में आया पॉपुलेशन सैंपलिंग फ्रेम आप हर चीज को लिस्ट करते हो प्रॉपरली उस लिस्ट में से आप सैंपल को उठाते हो सैंपल उठाने के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं जिसको हम सैंपलिंग टेक्निक्स कहते हैं चलो आगे बढ़े मैम पर सेक्शन में दस स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं हाँ सुर भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सपेरिमेंटल कर हो तो बीस भी ले सकते हो ठीक है हम सर्वेस की बात कर रहे हैं यहां पे ठीक है समझने के बारे में अब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते अब तुम पीएचडी की नॉलेज मत लो मुझसे यहां पे थीसेस की मत लो ठीक है वो डिपेंड करता है सुभाष्री सैम्पलिंग फ्रेम जो होता है पॉपुलेशन पूरी नहीं कर सकते हो पॉपुलेशन पे आप डिलिमिटेशन करते हो पॉपुलेशन में से आप वो एलिमेंट्स लेते हो जहां से आप सैंपल उठाओगे क्योंकि ये में बोला जाता है सैंपलिंग फ्रेम को लेके पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर देखो मेरे पास लाख की पॉपुलेशन होगी वही है लास्ट में मुझे बताना था भी, हम लोग सपोज मेरे पास लाख की पॉपुलेशन है ठीक है तो अब अगर लाख की पॉपुलेशन है तो मिनिमम मुझे दस हजार लोगों पे तो रिसर्च करनी चाहिए अगर दस हजार भी नहीं तो भाई हजार लोगों पे तो करनी चाहिए रिसर्च इतने तो आने चाहिए सैंपल में ठीक है यही अगर मेरे पास हजार का सैंपल पॉपुलेशन है तो अगर मैं इसमें से सौ भी लेती हूं तो वो बहुत है तो डिपेंड करता है कि आपका जो सैंपल साइज होगा ना लिख लो अपनी नोटबुक्स में सैंपल साइज डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर पॉपुलेशन Yup. ठीक है किसी ने मुझे अगेन से बोला था सपोज बेटा ये तुम्हारी पॉपुलेशन है ठीक है इस पॉपुलेशन में ये स्कूल वन है सपोज ये स्कूल टू है टोटल दस स्कूल मान के चलते हैं ठीक है ये स्कूल है ये स्कूल नंबर सिक्स हुआ ये स्कूल नंबर सेवन हुआ ये स्कूल नंबर एट हुआ ये स्कूल नंबर नाइन हुआ ये स्कूल नंबर टेन हुआ सपोज तुम्हारी पॉपुलेशन में दस स्कूल है तो ये क्या हो गया ये पूरा का पूरा है पॉपुलेशन तुम जाते हो डीओ के पास डीओ कहता है बेटा सिर्फ तीन स्कूल की परमिशन दूंगा मैं ठीक है तो ये तीन स्कूल जो वो डीओ देता है सपोज ये स्कूल नंबर फोर है ठीक है स्कूल नंबर टू की परमिशन देता है और स्कूल नंबर फोर की देता है यानी ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल टू स्कूल फोर एंड स्कूल सेवन दे आर योर सैंपलिंग फ्रेम अब जैसे मैंने आपको बोला कि आप कि ये सैंपलिंग फ्रेम है हर स्कूल में से आप एक एक, एक या दो दो सेक्शन उठाते हो ठीक है ये सैंपलिंग फ्रेम में से आप सैंपल उठाओगे जैसे हर स्कूल में पांच पांच सेक्शन है तो आपने स्कूल वन में से फॉर एग्जांपल नाइन ए ले लिया ठीक है स्कूल टू में से स्कूल फोर में से सपोज आपको नाइन बी मिल गया स्कूल सेवन में आपको सपोज नाइन सी मिल गया तो ये जो बच्चे हैं ये आपका क्या होगा सैंपल होगा ये वो लोग हैं जिनके ऊपर आप रिसर्च करोगे मैम सपोज नाइन सी अरे तुम क्या कर रहे हो भाई किन चीजों में उलझ गए हो आपको एग्जाम्पल दे रही हूं आपको जाके वहां पे नाइन सी नाइन ए चूज नहीं करना है ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल के तौर पे तभी तभी टीचर्स जो है ना कई टीचर्स होते हैं जो ये चीजें समझाते नहीं क्योंकि उनको खुद नहीं आता तो मैं इसलिए समझा रही हूं और तुम कंफ्यूज हो रहे हो एग्जाम्पल दिया है बेटा ये पॉपुलेशन है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें से तुम कोई चीज उठाते हो वो छोटी है वो है सैंपलिंग फ्रेम इसमें से एक सैंपल उठाओगे अभी के लिए सिर्फ पॉपुलेशन और सैंपल याद कर लो ठीक है ओके okay, शगोफ्ता आई थिंक वी आर गुड टू गो लेट्स कम टू द नेक्स्ट ओके मिटा दू ना इसको सभी को ठीक है चलो हटा रही हूं अब ना सैम्पलिंग की दो मेन टेक्निक्स होती हैं जिसको हम कहते हैं रैंडम सैंपलिंग और उसको हम एक दूसरे को कहते हैं हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो रैंडम सैम्पलिंग है ना उसको हम प्रोबिलिटी मेथड या प्रोबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं ठीक है प्रोबेबिलिटी को क्या हम बोलेंगे रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे नॉन रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है यहां पे ना रिसर्चर की रिसर्चर्स नो चॉइस रिसर्चर चॉइस नहीं लगाता अपनी नो बायस गिव्स इक्वल चांस To each यूनिट इन पॉपुलेशन अभी के लिए इतना रैंडम में क्या है जो रिसर्चर है उसकी पर्सनल चॉइस नहीं लगती है उसकी जजमेंट नहीं चलती है उसकी मनपसंद नहीं चलती है वो क्या करता है वो अपने मन से ये कहता है कि जो भी पॉपुलेशन में है वो लोग हैं या कोई भी है हर पॉपुलेशन का एलिमेंट एलिमेंट बोलते हैं ठीक है थीके? वो बेशक इंसान हो वो बेशक कोई भी चीज हो गोभी पे रिसर्च कर रहे हो ठीक है वो एलिमेंट या यूनिट बोलते हैं उसको हर यूनिट ठीक है मैं उस पॉपुलेशन में जो हर यूनिट है उसको इक्वल चांस दे रहा हूं सिलेक्शन का नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है रिसर्चर अपनी चॉइस लगाता है ठीक है रिसर्चर अपनी कॉन्वीनियंस लगाता है अपनी जजमेंट लगाता है अपने हिसाब से वो बायस के साथ डिस्क्रिशन के साथ जो सैंपल है वो चूज करता है इतना समझ में आ गया तभी मैं आगे बढ़ूंगी इतना सबको समझ में आया कि रैंडम में क्या हो रहा है रिसर्चर कोई बायस नहीं लगा रहा सबको इक्वल चांस दे रहा है जो भी पॉपुलेशन में है सिलेक्शन होने के और नॉन रैंडम में क्या है कि रिसर्चर अपनी चॉइस लगाता है ठीक है अब एक और चीज नोटबुक में लिख लो हमेशा हम लोग इंसान हैं हमेशा सैंपलिंग के दौरान हमसे गलती होती है हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम प्योर सैंपल नहीं उठा पाते तो वो जो गलती होती है ना हमसे सैंपल के दौरान जितनी मर्जी कोशिश कर लो उसे कहा जाता है सैंपलिंग एरर लिखा लिख लो सैंपलिंग के दौरान वो बेशक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो यानी रैंडम सैंपलिंग हो या नॉन रैंडम हो सैंपलिंग एरर होती है तीसरी चीज लिखो जो रैंडम सैंपलिंग है उसके अंदर जो सैंपलिंग एरर होती है वो नॉन रैंडम नॉन रैंडम सैंपलिंग को कंपेयर करें तो कम होती है यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स में सैंपलिंग एरर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग चौथी चीज लिखो जितना बड़ा सैंपल होगा उतनी छोटी सैंपलिंग एरर होगी जितना छोटा सैंपल होगा उतनी ज्यादा सैंपलिंग एरर होने के चांसेस होते हैं। लिख रहे हो ना ये सब क्या बोला था मैंने क्लास की शुरुआत में सैंपलिंग के ऊपर एक से दो क्वेश्चंस आते हैं और आते हैं और जून में भी आएंगे इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी ईयर का सैंपलिंग के बिना नहीं बनता तो इसको बहुत अच्छे से आपको जानना है खुशी अभी इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी ठीक है जी सबको समझ में ये चारों चीजें तुमने लिख ली हैं ठीक है सैंपलिंग एरर किसमें ज्यादा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर जितना बड़ा सैंपल होगा उतनी छोटी एरर होती है ये अलग पॉइंट था और जितना छोटा सैंपल है उतनी बड़ी होती है चलिए अब ना ये सब के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं सैम्पलिंग जो मेन कौन सी है रैंडम सैम्पलिंग इसके अपने टाइप्स हैं ठीक है, है? यहां पे लिख लेते हैं इनके अपने टाइप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब टाइप्स है ना ये मेन टाइप्स है इसके अपने टाइप्स हैं इसके अपने टाइप्स हैं तो अब हम शुरुआत करते हैं जो प्रोबेबिलिटी मेथड है सैम्पलिंग का उसके टाइप से तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला कि पॉपुलेशन के अंदर हर यूनिट को हम इक्वल चांस जो है वो देते हैं फॉर एग्जाम्पल बच्चे जैसे कि आप लूडो खेलते हो लूडो खेलते हो डाइस में वन लिखा होता है टू लिखा होता है थ्री लिखा होता है फोर लिखा होता है फाइव लिखा होता है सिक्स लिखा होता है मैं तो बहुत खेलती हूँ मेरे कजन है मेरे फ्रेंड्स हैं तो हम लोग तो आजकल उस पर एप के ऊपर वो वहां से खेल रहे होते मैं वहां से खेल रही होती अपने घर से तो टीम्स बना के है ना डाइस को पलटते हैं हमें पता है कि छह ही चीजें हो सकती है कि एक नंबर आएगा या दो आएगा तीन आएगा चार आएगा पांच आएगा छ आएगा यानी कि मैं ये वाले डॉट को ये वाले डॉट को ये तीन वाले डॉट को ये चार वाले डॉट को ठीक है ये पांच वाले डॉट को और छ वाले डॉट को जब मैं उस डाइस को घुमाती हूं तो मुझे नहीं पता होता ना कि ये भी आ सकता है 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 यानी कि मैंने घुमाना तो एक ही बारी है एक ही बारी घुमाना है और इन सब का आने का चांस वन बाय सिक्स होगा है ना अब रोल किया पता नहीं भाई सात तो नहीं आ सकता ना इतना तो पता है तो मैं आठ तो नहीं आ सकता जीरो तो नहीं आ सकता या एक आएगा या दो आएगा रोल मुझे एक ही बारी कर दिए यानी सबके आने के चांसेस हैं छह चीजें हो सकती हैं या एक या दो या तीन या चार या पांच या छह में से एक आएगा ठीक है उसी प्रकार से मैंने यहां पर लिखा है कि सपोज आपके पास सौ चीजें हैं है ना सौ पेंसिल्स हैं सपोज सौ पेंसिल है और आपको आंखों में मैं पट्टी बांध दू और मैं बोलू चलो चूज करो तो सौ पेंसिल हैं उनमें से आपने नंबर दिया हो पेंसिल नंबर वन पेंसिल नंबर टू पेंसिल नंबर थ्री पेंसिल नंबर फोर पेंसिल नंबर फाइव सौ पेंसिल सौरवी ने एक उठा ली वो पेंसिल नंबर फाइव हो सकती है पर तुमने हर पेंसिल को सैंपल में आने का चांस दिया है ना कुछ भी आ सकता है चलो अब ना इसके अंदर मैंने ये चीज आपको लिखी हुई बता दी है पहले ही कि सैंपलिंग एरर जो है वो हमेशा होता ही होता है हम सब इंसान हैं जितना मर्जी सैंपल अच्छे से कलेक्ट करें सैंपलिंग एरर होगा ज्यादा किसके अंदर होता है ज्यादा या फिर मोर सैंपलिंग एरर इज फाउंड इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू प्रॉबिलिटी सैंपलिंग मेथड ठीक है ये पॉइंट है दूसरा ये लार्जर द सैंपल लेसर द एरर द एरर सैंपलिंग एरर ठीक है और स्मॉलर द सैंपल चांसेस ऑफ बिगर एरर मैंने लिख दिया है ताकि तुम भूलो ना तो चलो अब हम कुछ टाइप्स की बात करते हैं जिसके अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जिसमें तुम लॉटरी मेथड जो जो लिख रही हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जिसको कि हम फिशबोल मेथड भी कहते हैं ये करेंगे दूसरा मैं आपको करवाऊंगी सिस्टमैटिक मेथड या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ये इसके टाइप्स हैं किसके टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी मतलब यूरेंडम के लॉटरी मेथड में क्या होता है भाई तुम लॉटरी निकालते हो सपोज आशु जो है आशु का एक स्कूल है आशु का स्कूल है और वो आशु उसके प्रिंसिपल है नर्सरी में एडमिशंस चल रही हैं अब आशु के पास सीट्स कितनी है सौ सपोज आशु जो है उसके स्कूल के अंदर चल रही है एडमिशन ठीक है एडमिशन चल रही है स्कूल अपने पास सीट्स कितनी है सौ और अपने पास एप्लीकेशन कितनी आती है सपोज इजी लेती हूं मैं ताकि तुमको कैलकुलेशन इजी होती है ठीक है एप्लीकेशन सपोज हजार आ गया अब आशु जो है वो बिल्कुल अनबायस इंसान है वो कहते हैं मैं तो कोई जो सिफारिश वगैरह लॉबिंग में चॉइस नहीं करूंगा अपना अपना चांस है तो आशु क्या बोलते हैं कि ठीक है सभी एप्लीकेशन को फोल्ड कर दो सभी एप्लीकेशन को फोल्ड कर दो या एप्लीकेशन में जो कैंडिडेट्स के नाम है उनको फोल्ड कर को उनकी बना लो स्लिप्स स्लिप्स बना लो और एक कटोरी लो बोल लो ठीक है उसके अंदर डाल दो किसी को भी बुलाओ कोई भी सौ स्लिप्स जो निकाल लेगा या सौ एप्लीकेशन निकाल लेगा जो फोल्डेड एप्लीकेशन है वो बच्चे को सीट मिल जाएगी यानी वो बच्चे सैंपल के अंदर आ जाएंगे ठीक है yes, यस yes, यस अनुराग एक्चुअली में जो एडमिशन uh, है नर्सरी में वो सरकार की तरफ से बोला गया है कि लॉटरी मेथड से ही होंगी इसके ऊपर अलग चर्चा होगी किसी दिन की आप फॉलो होता है या नहीं होता फोकस रखो फोकस 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 तो अब आपको समझ में आ गया ठीक है ये अनुराग समझ में आया? कि सपोज सौ बच्चे ही उसने लेने हैं और वो सिंपल सौ स्लिप्स लेता है इसको कहा जाता है लॉटरी मेथड फिश बोल मेथड क्या आशु ने यहां पे अपनी चॉइस लगाई क्या उसने यहां पे पार्शियलिटी की नहीं की ना उसने सबको फोल्ड करके डाल दिया कोई भी सौ एप्लीकेशन आई उनको सीट दे दिया इसको बोलते हैं लॉटरी मेथड इसको क्या बोलते हैं फिश बोल मेथड ठीक है अब दूसरा तरीका एक और भी आशु कर सकते हैं अब आशु सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से भी ये कर सकते हैं सिलेक्शन कैसे करेंगे ये बोलेंगे मेरे पास कितनी एप्लीकेशन है हजार एप्लीकेशन है है ना अब इतना लंबा चौड़ा क्या करना अब रजिस्टर में सबके नाम तो लिखे गए हैं तो सबको क्या दे दो सीरियल नंबर दे दो ध्यान से समझना इसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है एवरी केथ आइटम और एनेथ आइटम जो फॉरेन की बुक्स हैं वो इसको केथ आइटम कहती हैं इंडियन बुक्स इसको एनेथ आइटम कहते हैं आइटम इज सिलेक्टेड इतना तो तुम थोड़ा सा याद करना पड़ेगा अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आशु क्या बोलते हैं आशु के पास है एप्लीकेशन हजार यानी बच्चे को उन्होंने सीरियल नंबर दे दिया एप्लीकेशन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वो लॉटरी करना ही नहीं चाहते बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है कितने हजार लोगों के उनके पास कितनी सीट्स है ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ठीक है उनके पास सीट कितनी है सीट्स हैं सौ मुझे एक फ्रेम बनाना पड़ेगा मतलब हजार में से कितने का फ्रेम बनाना है देखो इसका एक फॉर्मूला होता है आज तक पूछा तो नहीं गया फिर भी मैं आपको बता रही हूं ठीक है इसका फॉर्मूला क्या होगा मुझे क्या फ्रेम निकालना है फ्रेम फॉर्मूला यानी मेरे पास हजार एप्लीकेशन आई सीट है मेरे पास सौ यानी मुझे दस का सैम्पलिंग फ्रेम या फ्रेम कह लो सैंपलिंग फ्रेम वुड बी रॉन्ग फ्रेम सिलेक्शन फ्रेम जो है वो रखना है ठीक है मेरे पास दस का सिलेक्शन फ्रेम है सपोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये मैं दस लिप्स बना लेती हूं ठीक है तो अनुराग हाँ के इज इक्वल टू साइज ऑफ पॉपुलेशन ओवर साइज ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड चलो अनुराग बताओ ये तुम्हारा क्या है सिलेक्शन फ्रेम है ठीक है इसकी बना ली तुमने स्लिप्स कितनी स्लिप्स बनी दस स्लिप्स बना ली दस स्लिप बनानी है तो डालो नहीं तो वो आजकल कंप्यूटर पे भी हो जाता है कोई नंबर चूज करो खुशी कोई नंबर चूज करो अनुराग रेणु का जो पहला नंबर बता देगा मैं उसका ले लूंगी अपने पास कितना सिलेक्शन फ्रेम है दस का एक नंबर उठाओ फटाफट फड़. कोई भी नंबर पिक करना है टाइम कौन लगाता है दृष्टि कह रही है दस तुम सही हो बिल्कुल सही हो ठीक है वृष्टि ने नंबर पिक किया है दस ठीक है तो अभी क्या होगा अभी हम ऐसे करेंगे कि मेरे पास जो ये दस की इंटरवल रखूंगी मैं यानी इंटरवल दस की रखी ठीक है तो वो बच्चा जो दसवें नंबर पे है वो बच्चा दस का फिर गैप दो दस के गैप के बाद आएगा बीसवे नंबर पे है जो बच्चा तीसवे नंबर पे है फोर्टियत नंबर पे है फिफ्टियथ नंबर पे है सिक्सटियत नंबर पे है नंबर पे है एट्टी के ऊपर है नाइनटी के ऊपर है ठीक है हंड्रेड के ऊपर है हंड्रेड एंड टेन के ऊपर है हंड्रेड एंड ट्वेंटी हंड्रेड एंड थर्टी ऐसे करके नाइन नाइन जीरो और वन थाउजेंड नंबर पे जो बच्चा है वो सिलेक्शन में आ जाएगा काउंट करके देख लेना सौ होगा सैंपल ठीक है अब जिन्होंने बाद में आंसर दिया उनके निवृष्टि ने दस कहा था तो तुम्हें बने दस बता दिया ठीक है चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो फॉर एग्जाम्पल स्वाति है स्वाति ने नंबर दिया है चार ठीक है स्वाति तो अब आप देखो कैसे होगा न, वो बच्चा जो चौथे नंबर पे है फिर दस का गैप दो यानी चौदहवे नंबर पे है ट्वेंटी फोर्थ नंबर पे है तो अगर हम नंबर फोर ले रहे हैं तो वो बच्चा जो चौथे नंबर पे है चौदह नंबर पे है चौबीसवें पे है थर्टी फोर पे है फोर्टी फोर पे है फिफ्टी फोर पे है सिक्सटी फोर पे है सेवेंटी फोर पे और तब तक जो नाइन नाइन फोर पे जो बच्चा होगा इनको करके देख लीजिएगा टोटल सौ बच्चे आएंगे अब कोई भूलेगा किसी को अभी तक कोई परेशानी है हम बहुत धीरे चल रहे हैं मुझे लग रहा था हम जल्दी जल्दी कर लेंगे ये तो छोटी छोटी, छोटी चीज है तुमने तो आधे घंटे से ज्यादा इसमें लगा दिया सबको समझ में आया ना ठीक है अब मैं मिटा नहीं रही हूँ ठीक है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये नीचे से मिटा देते हैं अब मैं आती हूँ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के ऊपर क्या है स्ट्रेटिफाइड चीजों स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में ना एक चीज का ध्यान रखना सैंपल जब तुम्हारा हेट्रोजीनियस होता है तभी आप क्या करते हो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो है इस्तेमाल करते हो ठीक है इसके अंदर एक चीज आप हमेशा ध्यान रखते हो आप स्ट्रेटास बनाते हो पहली चीज हेट्रोजीनियस सैंपल दूसरी चीज स्ट्राटा और तीसरी चीज लिखो प्रोपोर्शन ये तीन चीजें तुमको जस्टिफाई करनी है क्या मतलब है प्रोपोर्शन का जब हेट्रोजीनियस सैंपल है पॉपुलेशन है तो उसमें जब तुम सैंपल सिलेक्ट करोगे स्ट्राटा में तो एवरी यूनिट प्रेजेंस इन योर सैंपल शुड रिफ्लेक्ट द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स प्रेजेंस इन द पॉपुलेशन इसका मीनिंग क्या है है ना इसका मीनिंग क्या है चलिए अब ये मैं मिटाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि बच्चों को आ, यहाँ पे समझाती हूँ स्ट्रेटिफाइड तो सपोज मेरे पास एक स्कूल है अब इस स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो है बृष्टि ये बृष्ट नहीं स्कूल नहीं लेते कॉलेज लेते हैं ठीक है बृष्टि ये तुम्हारा स्कूल है कॉलेज है कॉलेज के अंदर है हजार बच्चे बृष्टि के कॉलेज के अंदर है हजार स्टूडेंट्स जिसमें से 500 बच्चों ने आर्ट्स लिया हुआ है ठीक है 200 बच्चों ने कॉमर्स लिया हुआ है और 300 बच्चे हैं जिन्होंने मेडिकल लिया हुआ है अब ब्रिष्टि का कॉलेज है ठीक है और यहाँ पे मल्लिका ब्रिष्टि के कॉलेज में रिसर्च करना चाहती हैं। मल्लिका सिर्फ ये देखना चाहती हैं कि ब्रिष्टि के कॉलेज में जो बच्चे हैं उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रति क्या परसेप्शन है या गवर्नमेंट के प्रति क्या परसेप्शन है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रति क्या एटीट्यूड है या परसेप्शन है तो मल्लिका रिसर्च करना चाहती है और उनके पास समय है नहीं अब इस कॉलेज में तो अलग अलग बच्चे भाई कॉमर्स वाले बच्चे भी आर्ट्स वाले सबका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड तो पता है डिफरेंट होता, होता है एप्टीट्यूड एटीट्यूड भी डिफरेंट होता है मल्लिका कहती है मुझे सिर्फ सौ बच्चों के ऊपर रिसर्च करनी है ठीक है तो मलिका क्या कहती है मुझे सिर्फ सैंपल कितना चाहिए मुझे सैंपल चाहिए सौ का लेकिन ये जो सैंपल है ये सच्चा होना चाहिए सच्चा का मतलब जैसे अभी मैंने वर्ड यूज किया प्रोपोर्शन डेट एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन शुड रिफ्लेक्ट इट्स प्रेजेंस और नंबर इन द पॉपुलेशन यानी कि हजार में से आप रेशियो निकालो रेशियो निकल रहा है फाइव इज टू टू इज टू थ्री का तो मल्लिका क्या करेंगी ना ये जो 500 बच्चे हैं आर्ट्स के इनकी बनाएंगी स्लिप्स लॉटरी मेथड से या फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो मैंने आपको करवाया 500 बच्चों की इन्होंने स्लिप्स बना ली या इन्होंने लॉटरी मेथड लिया और 100 में से ये रेशियो है तो 50 बच्चे मल्लिका लेंगी आर्ट्स में से उसके बाद ये लेंगी 200 की स्लिप बनाएंगी क्योंकि कॉमर्स के 200 स्टूडेंट्स हैं कोई भी 20 बच्चे पिक करेंगी कॉमर्स में से और 300 सौ बनाएंगी मेडिकल की और कोई भी 30 बच्चे उसमें से उठा लेंगी मेरा सैंपल कितना हुआ 100 का अब इस सैंपल के अंदर एग्जैक्टली ये रेशियो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपने क्या देखा कॉलेज के अंदर बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट के हैं यानी मेरी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है मुझे हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस ग्रुप्स में बनाना है तो मैंने कैसे होमोजीनियस ग्रुप बनाया आर्ट्स के अलग कर दिया कॉमर्स के अलग कर दिया मैंने मेडिकल के अलग कर दिया अब आर्ट्स के बच्चे ज्यादा हैं सैंपल मेरे में वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन रिफ्लेक्ट करना चाहिए पूरे कॉलेज में पांच बच्चे भैया आर्ट्स में आधा कॉलेज तो आर्ट्स वाले ले गए तो सैंपल भी आधा आर्ट्स वाले लेके जाएंगे ठीक है अब आपके ऊपर है अब फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर जो अनुराग है सेम कॉलेज के अंदर वो देखना चाहते हैं कि लड़के और लड़कियां जेंडर में वो चूज करते हैं कि चलो मेल्स के अंदर और फीमेल्स ब्रिष्टि के ही कॉलेज में मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो अनुराग का पर्पस ये कि मुझे देखना है लड़के और लड़कियों के परसेप्शन का क्या डिफरेंस है है या नहीं है ठीक है तो ब्रिष्टि के कॉलेज में अगेन कितने बच्चे हैं हजार ठीक है मेल कितने हैं सपोज 500 फीमेल्स कितनी हैं 500 तो बिल्कुल आसान हो गया क्या वन इज टू वन का रेशियो निकला तो अगर अनुराग के पास सैंपल साइज चाहिए 100 तो अनुराग क्या करेंगे इन पांच सौ की स्लिप्स बना लेंगे कोई भी 50 लड़के ले लेंगे और लड़कियों की जितनी भी लड़कियां उनकी पांच स्लिप्स और कोई भी पचास लड़कियां चूज कर लेंगे लॉटरी मेथड ये सिस्टमेटिक से और इनका सैंपल बन जाएगा आर बी गुड एवरी वन हैव यू अंडरस्टूड स्ट्रेटिफाइड वॉट टू रिमेंबर हैट्रोजीनियस पॉपुलेशन टू मेक इन टू होमोजीनियस दैट इज वाई वी से स्ट्राटा एंड देन प्रोपोर्शन चौथी चीज लिख लो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का नॉन प्रोबिलिटी सैम्पलिंग इक्विवेलेंट है कोटा सैम्पलिंग जब आएगा कोटा सैंपलिंग तब बताऊंगी लिख लो ये लाइन क्योंकि एन टी ए का वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन इज दिस द नॉन प्रोबेबिलिटी इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज कोटा सैंपलिंग पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे ठीक है कोटा आएगा तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी अब हम आते हैं क्लस्टर सैंपलिंग पे ये ना अलग अलग लेवल्स के ऊपर होती है मल्टी स्टेज वन स्टेज टू स्टेज तो जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो है ना तो आप क्लस्टर सैंपलिंग करते हो फॉर एग्जाम्पल हम सब मिलके इंडिया के ऊपर सर्वे करना चाहते हैं हम भारतीय युवक है ना जो कि आप मान के चलो 20 और 25 साल के लोग हैं 20 टू 25 फाइव ईयर्स के जो सिटीजन हैं इंडिया के सिटीजन ऑफ इंडिया इनके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं हम सब सपोज हम इस टाइम पे 100 बच्चे हैं क्लास के अंदर ठीक है हाँ शामदास रिपीट करना पड़ता है तुम्हें तो नहीं पता पोल में दिखता नहीं है कितने सही देते हैं कितने गलत देते हैं तो जो गलत देते हैं उनके लिए रिपीट करना पड़ता है 20 और 25 साल के सिटीजन और हम लोग सपोज इस टाइम पे 100 बच्चे हैं क्लास के अंदर सो, मेरे को भी मिला लो ठीक है अब हम पूरे देश के ऊपर करना चाहते हैं रिसर्च तो हम क्या करेंगे हम देखेंगे फिर भी हम 100 बच्चे कर नहीं पाते सरकार को 10 10 साल लग जाते हैं पता है ना जो सर्वे हुआ था उन बच्चों पे डिसबिलिटी डिसेबिलिटी 2011 में हुआ था अभी तक दूसरा सर्वे हुआ नहीं है इतने डेकेड्स लग जाते हैं तो हम लोग तो नहीं ले सकते पूरे करोड़ों को तो हम क्या करते है? हम एक प्लान बनाते हैं हम कहते हैं देखो कितनी सारी स्टेट्स हैं नॉर्थ है साउथ है ईस्ट है, है और वेस्ट में कितनी स्टेट्स है ना नॉर्थ में जे के है पंजाब है हिमाचल है ईस्ट में मणिपुर है नागालैंड ना है अरुणाचल सो एंड सो तमिलनाडु है ठीक है ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है तेलंगाना है वेस्ट में वेस्ट, गुजरात है राजस्थान है सो मैनी तो हम क्या कहते हैं कि हम साउथ के रीजन को सपोज हम लोग नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ को अलग कर लेते हैं क्या हो गया इसको नाराज हो गया मुझसे लगता है ठीक है ये हमने स्टेट्स को अलग कर लिया नॉर्थ रीजन ईस्ट रीजन वेस्ट रीजन ठीक है तो अब क्या होता है हम अपने आप को बांट देते हैं बीस बीस बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे कई बच्चे जे एंड के और पंजाब अब कितनी कितनी स्टेट्स हैं सबको नहीं पिक कर सकते तो हम नॉर्थ में जितनी भी स्टेट्स हैं उनको एक पर्ची पे लिख लेंगे और सपोज कोई भी दो स्टेट्स उठा लेंगे आपके ऊपर श्रद्धा है तीन स्टेट्स भी उठा सकते हो लेकिन जो पॉसिबल है सपोज मैंने नॉर्थ में से कितनी स्टेट्स पिक की स्टेट वन सपोज जे एंड के है स्टेट टू सपोज हिमाचल है ठीक है ईस्ट में से भी मैंने कोई स्टेट वन मणिपुर उठा ली नागालैंड उठा ली उसी तरह साउथ में से मैंने एक स्टेट वन उठा ली स्टेट टू उठा ली वेस्ट में स्टेट वन उठा ली स्टेट टू उठा ली ठीक है उठा ली मतलब अब मैंने कब्जा नहीं कर लिया मतलब चूज किया सैंपल में तो अब तो मैंने लॉटरी मेथड लगाया था अब इन स्टेट्स के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिटीज हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं विलेजेस हैं तो सपोज एक स्टेट के अंदर मान के चलते हैं वैसा तो बहुत ज्यादा अलग अलग वेरी होता है डेटा लेकिन मान के चलते हैं कि हर स्टेट के अंदर 10 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ठीक है सपोज मैं सिर्फ अगेन सभी डिस्ट्रिक्ट्स की एक स्लिप बना लेती हूं और कोई भी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेती हूं सपोज हर स्टेट में से मैंने एक एक डिस्ट्रिक्ट जो रैंडम सैम्पलिंग है उसमें से मैंने चूज कर लिया है ना इसमें से डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया 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 अरे भाई हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने ब्लॉक्स होते हैं और हर ब्लॉक के अंदर कितने विलेजेस होते हैं कर पाओगे करोड़ों बच्चों पे फिर भी नहीं कर पाओगे फिर हम कह कहते, कहते चलो जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने विलेजेस हैं उनकी लिस्ट बना लो सपोज एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दस विलेज आते हैं मान मान के चल रहे हैं ठीक है अब तुमने ये दस विलेजेस में से कोई भी एक विलेज उठा लेना है ये अगेन सपोज इसके पास बीस हैं तो बीस विलेजेस आ रहे हैं तो तुम बीस उठा लोगे डिपेंड करता है कि कौन से जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला कि पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या सैंपल होगा उसी प्रकार से तुम इसमें से एक विलेज उठा लोगे एक विलेज उठा लोगे इसमें से एक विलेज ले लोगे एक विलेज ले लोगे ठीक है उसी प्रकार से यहां विलेज ले लोगे विलेज अब ना इस पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे विलेज में जो भी बच्चे होंगे कौन से साल में ये तुम्हारा सैंपल होगा इस पूरे के पूरे विलेज में जो भी 20 से 25 के उम्र में लोग होंगे उनको तुमने ग्रुप को उठा लिया क्विकली बताओ मुझे श्यामदास दास का लास्ट मैसेज है गॉड पूरा विलेज ले लिया उठा लिया एक विलेज दूसरा विलेज तीसरा विलेज चौथा विलेज अब इस विलेज में जितने युवक हैं इनका आपने हमने डेटा ले लिया इसे कहते हैं मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग नेशनल लेवल रीजन डिवाइडेड स्टेट्स डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट्स एंड देन विलेजेस उसी प्रकार से अगर आप स्टेट लेवल के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो हिमाचल पे करना चाहते हो हरियाणा पे करना चाहते हो तो अगेन हरियाणा के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी पे रिसर्च नहीं करो करोगे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स चूज करोगे अगेन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने विलेजेस हैं कुछ विलेजेस को ही चूज करोगे तो अगर दो स्टेज पे हो रहा है तो उसको टू स्टेज बोलते हैं एक ही स्टेज पे हो रहा है वन स्टेज अगर इतने लेवल के ऊपर होता है मल्टी स्टेज कुछ नहीं है मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग दूसरा कंफ्यूजन ये रहता है क्लस्टर सैम्पलिंग अलग है मल्टी स्टेज सैंपलिंग नहीं मल्टी स्टेज एंड में जाके क्लस्टर सैंपलिंग ही बनता है तो मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग कॉमन सेंस एक स्टेज पे हो रहा है तो वन स्टेज दो पे हो रहा है सपोज स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पे ही हो रहा है टू स्टेज स्टेट के ऊपर हो रहा है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हो रहा है विलेजेस के ऊपर ब्लॉक्स के ऊपर तो मल्टी स्टेज आर वी गुड आर वी गुड टू गो हा चलिए अब हम आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे जिसको कि हम क्या कहते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स यहां पे खासियत क्या है यहां पे खासियत यह है कि रिसर्चर अपनी चॉइस लगाता है क्यों चॉइस लगाता है इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं क्या रिसर्चर आलसी है हो सकता है क्या रिसर्चर वर्कर एक्चुअली में है फिर भी वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इस्तेमाल कर रहा है? मजबूरी हो सकती कभी कभी जब आप ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हो तो बहुत मजबूरियां होती हैं और उन मजबूरियों के तहत कभी कभी रिसर्चर को अपनी चॉइस लगानी पड़ती है सबको वो इक्वल चांस नहीं दे सकता सैंपल में आने का तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर रिसर्चर की क्या यूज होती है रिसर्चर की चॉइस आती है रिसर्चर की जजमेंट रिसर्चर का बायस भी आ जाता है बायस आगा है ना कॉन्वीनियंस अब डिपेंड कर रहा है कि भैया क्या है अगर बहुत ही ज्यादा मेहनती रिसर्चर है फिर भी पॉसिबिलिटी नहीं है रैंडम सिलेक्शन की तो उसको डिपेंड करना पड़ेगा इनके ऊपर बस प्रॉब्लम यह है कि यहां पे सैम्पलिंग एरर के चांस थोड़े ज्यादा होते हैं है ना और यहां पे हम यूनिट की पॉपुलेशन की हर यूनिट को इक्वल चांस नहीं दे रहे सिलेक्शन का तो अब डिफरेंट डिफरेंट तरह की हम नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपलिंग्स को हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आता है कॉन्वीनियंस सैंपलिंग अब मैं किसका नाम लू अब जिसका नाम लूंगी वो तो नाराज हो जाएगा है ना अच्छा श्यामदास नाराज तो नहीं हो गए तुम्हारा नाम लेती हूँ तो है ना अब जैसे श्यामदास हैं, मैं शामदास को बोलती हूं श्यामदास तुम सपोज सिलीगुड़ी में रहते हो सपोज श्यामदास सिलीगुड़ी में रहते हैं सिलीगुड़ी क्या है वेस्ट बंगाल में ठीक है एक सिटी है तो सपोज श्यामदास को मैं बोलती हूं कि श्यामदास सिलीगुड़ी में जितने भी स्कूल्स हैं, उनमें से तुम रैंडम सैंपलिंग करो और देखो कि जो आठवीं क्लास के जो बच्चे हैं उनका आई किस प्रकार का है तो टेस्ट देना है तुमको बेसिकली क्या देना है क्वेश्चनर्स देने हैं ठीक है सिलीगुड़ी में जो भी बच्चे हैं बहुत ज्यादा है ना ला हजारों होंगे कर नहीं सकते शामदास को तो वह कहते रैंडम टेक्निक से शामदास करो ना चेक करो कि आठवीं क्लास के बच्चों का आईक्यू कैसा है तो शामदास कहते हैं प्रियंका मैम तो काम देती रहती है अरे कौन करेगा काम तो शामदास क्या करते हैं उनके घर में जो आसपास के लिए स्कूल होते हैं या ऐसे स्कूल जहां पे उनकी जान पहचान है तो शामदास वहां जाते हैं और वहां से बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब यहां पे क्या है श्याम की कन्वीनियंस है अब शामदास हार्डवर्क बहुत करते हैं मेरी क्लास में तो बहुत हार्डवर्क करते हैं एग्जाम्पल पे नाम लेना है किसी का तो इसलिए नाम ले रही हूं ठीक है तो शामदास क्या करते हैं अपने हिसाब से लोगों को ले लेते हैं कॉन्वीनियंस अपनी सुविधा अनुसार ठीक है जी अब शामदास का मैसेज नहीं अब सबका आ रहा है बस शामदास चुप हो गए श्यामदास नाराज हो गए तो मेरा ले लो नहीं तो ठीक है चलो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो है परपजिव और जजमेंटल सैंपलिंग परपजिव और जजमेंटल सैंपलिंग क्या है चलो इसमें भी श्यामदास का नाम लेते हैं क्योंकि यहां पे मेहनत लगती है और शामदास ने में पहले मेहनत नहीं की कॉन्वीनियंस में तो नाराज हो जाएंगे मुझसे चलो फिर से क्या होता है कि शामदास को एक रिसर्च करनी है सपोज उसको रिसर्च करनी है हिमाचल में या उत्तरांचल में जहां पे फ्लड्स आए थे अभी कुछ ही टाइम पहले लोगों का फ्लड आए लोगों का घर जो है वो यू नो टूट गए उनको बाहर आना पड़ा तो शामदास उनके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं फ्लड विक्टिम्स के ऊपर ठीक है किन के ऊपर फ्लड विक्टिम्स के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं फ्लड विक्टिम्स जो कि यू नो अभी आया था हिमाचल में आया था ना हिमाचल प्रदेश में अब कितने सारे लोग हैं श्यामदास जब इनके ऊपर रिसर्च करेंगे तो इनको क्वेश्चन ओपन एंडेड अब कोई लिख के थोड़ी देगा ऑब्जर्वेशन इंटरव्यूज के तहत जो है थैंक यू श्यामदास इंटरव्यूज लेनी पड़ेंगी लोगों से बातचीत करना पड़ेगा तो अब सपोज ये उस लोकेशंस के ऊपर जाते हैं जहां पे वो लोग जो यू नो हुईडिंग सो देर सो मेनी पीपल राइट और हर एक इंसान की सहने की क्षमता होती है कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा कई ऐसे लोग होते हैं जो अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं डिनाइल के मोड में चले जाते हैं कई स्ट्रांग रहते हैं कई बहुत ज्यादा मूवड होते हैं मतलब बहुत इमोशनल होते हैं और कई फिर भी अपने आप को बैलेंस रखते हैं कई ऐसे भी लोग होते हैं जो जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ है ना क्या अब आगे क्या करना है डिफरेंट प्रकार के लोग होते हैं अब श्यामदास रिसर्च करना चाहते हैं कि उनकी लाइफ कैसे इम्पैक्ट हुई है और वो आगे क्या करेंगे अब तो ये क्या करेंगे वहां जाएंगे अब रैंडम सैंपलिंग तो उठा नहीं सकता रे तुम मेरे सैंपल में तुम मेरे सैंपल में तुम मेरे सैंपल में ये उनकी लिस्ट नहीं बना सकते मजबूरी है उनकी तो कुछ देर जाएंगे उन लोगों को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि उनमें से एक दिन नहीं दो दिन नहीं हफ्ता भी लग सकता है बहुत ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती हैं ये देखेंगे कि इन्होंने दस लोग लोकेट किया या पांच लोग लोकेट किए जो फिर भी अपने बैलेंस में हैं जो दूरदर्शी हैं है ना जो नॉलेजेबल हैं तो तो ये क्या करते हैं हाँ आसाम में भी आया था हिमाचल में भी आया था ठीक है तो ये उन लोगों को फाइंड आउट करते हैं या उनको ऑब्जर्व करते हैं फिर ये उनसे बातचीत करते हैं कि देखिए मैं रिसर्चर हूं मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ कि आप मेरे को मेरा रिसर्च का साथ देंगे आप मुझे इंटरव्यू दे सकते हैं मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ वो बोलेंगे हाँ तो वो इनको अपने डेटा सैंपल में लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे तो यहाँ पे मजबूरी है रैंडम नहीं कर सकता जजमेंट लगा रहा है ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन इसको रियल डेटा देगा अगर एक इंसान जो बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है ये उनके पास थोड़े ना जाएंगे डेटा लेने इंटरव्यू लेने है ना तो यहां पे क्या है उनका पर्पस है एक और उनकी जजमेंट चल रही है कि कौन मुझे सही डेटा दे सकता है कौन मुझे सही डेटा नहीं दे सकता आर वी गुड ठीक है तो कंचन का लास्ट मैसेज है उसके बाद तुम सब सो चुके हो नेक्स्ट सैम्पलिंग के ऊपर आते हैं जो कि है कोटा सैम्पलिंग क्या बोला था मैंने इसको मैं सिंपल सी चीज बोलती हूं ये सौतेला भाई या सौतेली बहन है किसकी किसकी सौतेली बहन ये तो बहुत हार्ड एंड कंज्यूमिंग टाइम होता है ओके ओके मानवी ओके ओके मैं तो ठीक है ये किसका सौतेला भाई है या किसकी सौतेली बहन है पेपर में मत लिखाना सौतेली बहन मेटाफर है ये ये जो मैं सौतेला भाई सौतेली बहन कहती हूं ना ये मेटाफर्स हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेडिफाइड तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रेडिफाइड सैम्पलिंग सेम चीज होती है बस लास्ट में जाके हम क्या करते हैं लास्ट में जाके हम अपनी चॉइस लगा लेते हैं वही एग्जाम्पल ले ब्रिष्टि के कॉलेज वाला ठीक है ब्रिष्टि का कॉलेज है उसके अंदर है हजार बच्चे ठीक है और इस बारी जो है शिवा शिवा यादव यादव जो है उनको भी रिसर्च करनी है और शिवा का जो सैंपल है सेम सेम चीज लेंगे ठीक है शिवा ने सौ का सैंपल लेना है और कोटा सैम्पलिंग से करना है लेकिन सबसे पहले यहां क्या होगा स्ट्रेटस बनेंगे क्या बृष्टि की कॉलेज में बच्चे आर्ट्स के कॉमर्स के और मेडिकल के अलग अलग हैं ठीक है ठीके? तो शिवा जो है वो चाहते हैं कि वो हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस बनाए ठीक है तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया डिवाइड किया कि वही 500 बच्चे आर्ट्स के हैं ठीक है ठीके? जो भी है 200 बच्चे जो हैं कॉमर्स के हैं ठीक है ठीके? तीन सौ बच्चे जो है मेडिकल के तो पहला तो कॉमन हो गया कि हमने हाइड्रोजीनियस को होमोजीनियस बनाया स्ट्रेटस बनाए ठीक है स्ट्रेटस बनाए अब भाई इसके अंदर तो कोई बायस नहीं है जो है वैसा कर दिया ठीक है जो दूसरी चीज ध्यान रखनी है वो यह है कि प्रोपोर्शन सेम रहना चाहिए मतलब द पॉइंट द थर्ड पॉइंट दैट वी डेड इन स्टारिफाइड सैंपलिंग दैट एवरी यूनिट्स प्रेजेंस इन द सैंपल शुड रिफ्लेक्ट द सेम प्रोपोर्शन एज इट इज इन द पॉपुलेशन ठीक है, जैसे कि रेशियो मेंटेन रहेगा रेशियो मेंटेन रहेगा यानी कि मेरे सैंपल के अंदर फाइव इज टू टू इज थ्री का शिवा के सैंपल में फाइव इज टू टू इज टू थ्री का रेशियो मेंटेन रहेगा यानी शिवा जो है यहां से पचास बच्चे लेंगे यहां से बीस लेंगे यहां से तीस लेंगे लेकिन ये तो बोलोगे आप मैम वहां पे भी किया था स्ट्रेटिफाइड में भी किया था लेकिन में तुमने क्या किया था ये जो 500 में से 50 लिए थे 200 में से 20 लिए थे 300 में से 30 लिए थे ना इनको किया था तुमने लॉटरी मेथड से सिलेक्ट या इनको किया था तुमने सिस्टमैटिक मेथड से सिलेक्ट मतलब रैंडमनेस यहां पे शिवा अपनी चॉइस लगा सकते हैं यहां पे शिवा हो सकता है जो बच्चे वॉलेंटियर करना चाहते हैं पांच सौ बच्चे आर्ट्स के बोलेंगे उनको कि मेरे को कोई भी पचास बच्चे चाहिए हाथ उठाओ जो भी पचास बच्चे हाथ उठाते हैं उनको ले लेते हैं या अपनी पसंद के बच्चे पचास ले लेते हैं दो सौ में से अपनी पसंद के बच्चे ले लेते हैं या जो पहले बीस बच्चे होते हैं उनको ले लेते हैं सो आई यू गेटिंग इट इन द लास्ट दिस इज सिलेक्टेड इन नॉन रैंडम मैटर लास्ट में जाके अपना चॉइस लगा लिया मेंटेन तो किया रेशियो फाइव एस टू टू एस टू थ्री है सैंपल में सेम चीज रिफ्लेक्ट करी दैट इज वाइस को क्या बोला जाता है नॉन सॉरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग सौतेला भाई सौतेली बहन लास्ट में जाके बस इन्होंने चेंज कर दिया अब आते हैं एक्सीडेंटल सैंपलिंग पे एक्सीडेंटल सैम्पलिंग क्या है अरे एक्सीडेंट हो गया नहीं 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 एक्सीडेंटल नहीं। इसको इंसिडेंटल भी कहते हैं ठीक है थीके? जैसे कि एक रेस्टोरेंट है ठीक है रेस्टोरेंट है कई फेवरेट रेस्टोरेंट है मेरे भी बहुत फेवरेट है पता है आपको कभी कभी डिनर पे जाना होता है कॉफी पे जाना होता है तो एक पर्टिकुलर कैफे पे जाते हैं कोशिश होती है नए नए भी ट्राई करने होते हैं बट फेवरेट रेस्टोरेंट्स होते हैं तुम्हारे होते हैं मेरे तो हैं कई जगह का खाना कई कई चाय भी होती है कई ढाबे में कई पर्टिकुलर ढाबे होते चाय बड़ी अच्छी होती है है ना? तो सपोज तुम एक होटल में जाते हो ठीक है जाते रहते हो तुम एक होटल में जानते हो अब वो होटल का मालिक जो है आ, वो चाहता है कि उसका होटल और प्रोग्रेस करे वो हो, तुम एक होटल के मालिक हो किसको कंचन को बनाते सपोज कंचन ओन्स अ होटल ठीक है नाउ शी वॉन्ट्स डैट हर होटल शुड कम अप हाई और शुड गेट बेटर रेटिंग्स या होटल में सुविधाएं खाना ज्यादा अच्छा तो ये बनाती हैं क्वेश्चनर क्या करेंगी ये बनाएंगी क्वेश्चनर ठीक है फिर जो वेटर होते हैं है ना क्योंकि अल्टीमेटली तो जो ग्राहक होते हैं वही बता सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है अरे तुम्हारे यहाँ पे मेक्सिकन खाना नहीं मिलता लेबनीज भी होना चाहिए इंडियन खाने में मुगलई अच्छा नहीं है कोई कहेगा गोलगप्पा अच्छा नहीं है उसको अच्छा करो अरे तुम्हारी प्लेटें साफ नहीं है नहीं है ना सब कुछ अच्छा है कंचन अब बुरा मत मानना तुम्हारे होटल को मैं ऐसे कह रही हूँ कंचन का होटल वैसे ही अच्छा है लेकिन उसको वो और अच्छा करना चाहती है ठीक है उसने क्वेश्चनर्स बनाए जो कि क्लाइंट्स को आंसर करने हैं अब वो तीन दिन कहती है अपने वेटर्स को कि देखो जो भी ग्राहक आएंगे उनको तुम ये क्वेश्चनर दे देना वो भर देंगे और इससे हमें बहुत पता चलेगा कि क्या ज़रूरत है क्या अच्छा है उसको कैसे और अच्छा करना है क्या बुरा है उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे अब ग्राहक को तो जो वेटर है उसको तो नहीं पता ना कि मैं आऊंगी कंचन के होटल में या खुशी सूर्वी आशु मल्लिका हम सब उसके होटल में एक दिन चले जाते हैं वो उसको थोड़े ना पता है हम लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चनर हम भर देंगे कई लोगों का मन नहीं करेगा वो नहीं भरेंगे अब वेटर्स को या फिर कंचन को थोड़े पता था कौन सा इंसान आएगा टाइम टेबल थोड़े है स्कूल थोड़े कॉलेज थोड़े ना है। कोई भी आ सकता है इंसीडेंटल एक्सीडेंटल उसको डेटा लेना है उस दिन जो आया वो डेटा भर के चला गया बिल्कुल 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 ठीक है हाँ, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम स्नोबॉल सैंपलिंग पे ठीक है स्नोबॉल सैंपलिंग को ना आप क्या कहते हो रेफरल सैंपलिंग भी बोल सकते हो इसको आप चेन सैंपलिंग भी बोल सकते हो अब यहां पे मजबूरी मतलब ये यह यहां पे आलसीपन नहीं है कन्वीनियंस में आलसीपन होता है इसमें आलसीपन नहीं है ये तो चॉइस ही ऐसी है ना के बताएंगे स्नोबॉल पॉल सैंपलिंग क्या होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग सैंपलिंग आप तब करते हो जब आप एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक या फिर रेयर यूनिक और रेयर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो जो रैंडमली नहीं कर सकते जैसे कि हमारे देश के अंदर फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कुछ सिंधी फैमिलीज है ना कई माइनॉरिटी की फैमिलीज है सिंधी मान के चलते हैं सिंधी लोग हैं काफी हैं लेकिन आप सिंधी कल्चर के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो और आप सपोज आपके एक ही फ्रेंड हैं जो सिंधी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ठीक है आपको एक फैमिली जानती है जो किसी माइनॉरिटी को बिलोंग करती है आप उस माइनॉरिटी अब वो कोई भी हो सकती है माइनॉरिटी आपके ऊपर है ठीक है मैं नाम लूंगी तो फिर तो एक फैमिली को आप जानते हो पर आप तो ज्यादा लोगों को करना चाहते हो तो आप इन फैमिली वालों को कहते हो भाई अपने रिश्तेदारों को मिला दो है ना ये रिलेटिव होंगे आगे इनके भी कुछ रिलेटिव होंगे आप बोलोगे भाई रेफर कर दो मुझे इनके रिलेटिव इनके रिलेटिव इनके रिलेटिव आगे जाके इनके रिलेटिव 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 यानी जान पहचान के अंदर खुशी पेपर वन पेपर टू में दोनों में रिसर्च चल रही मुश्किल और मैं नहीं कुछ बोल सकती मैंने जो बोलना था मैं पहले बोल चुकी हूं ठीक है वहां के डाउट वहां पे मेरी क्लास के डाउट मेरे यहां मैं बस एक चीज बोलती हूं मेरी क्लास में कोई डाउट है वो पूछो बाहर से कुछ भी पढ़ के आते हो वो वहां पूछो ठीक है और अगर कंफ्यूजन हो तो प्रियंका मैम की एक चीज याद रखना कि बेसिक से हटना नहीं है ठीक है तो माइनॉरिटी एक बच्चे ने बोला जैसे कैंसर पेशेंट बिल्कुल बिल्कुल बेटा कैंसर पेशेंट है कोई कैंसर से ग्रसित है वो एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहां पे और पेशेंट्स भी मिलते होंगे आप डॉक्टर से भी रेफर करवा सकते हो उनसे भी तो या जैसे प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चों के ऊपर आपको करना है तो आपको नहीं पता चलेगा प्रोस्टिट्यूट्स के लिए आपको रेडलाइट एरियाज के अंदर या कहीं पर भी आप उनको लोकेट करोगे आगे उनसे रेफरेंस लोगे सो दिस इज हाउ यू डू क्लस्टर और स्नोबॉल सैम्पलिंग आर वी गुड सैम्पलिंग फ्रेम जो है मैं आपको बता ही चुकी हूँ सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है रिसर्चर के लिए अभी हमने जितना भी सैम्पलिंग था खत्म कर दिया ठीक है यह मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आने वाला जो समझाया था उसी को ही सुन लेना ठीक है किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है नोट्स में बहुत कुछ लिखा होता है लेकिन पहले जब तुम उसको समझ जाते हो और फिर पढ़ते हो तो समझ आती है तो अदरवाइज तो ये क्या लिखा हुआ है रिसर्चर की लिस्ट होती है ये मैंने कहा था ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ग्रुप है कॉम्पोनेंट्स का जहां से रिसर्चर जो है वो सैंपल सिलेक्ट करता है डेमोग्राफिक में से टारगेट करता है और इंक्लूड भी करता है ये मेरी पॉपुलेशन है ठीक है ये मेरे सैम्पलिंग फ्रेम है यहां से मैं सैंपल उठाऊंगी तो मतलब मैंने क्या किया इसको इंक्लूड किया और इसको एक्सक्लूड किया तो ये सैंपलिंग फ्रेम इस चीज के अंदर मदद करता है ठीक है एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एनटीए द्वारा पूछा गया है और मैं आपको वैसे ही करवा देती हूं ठीक है एक टर्म यूज हुई थी डायमेंशनल सैंपलिंग डायमेंशनल सैंपलिंग कुछ नहीं है कोटा सैंपलिंग जो है मैं खुद ही बता रही हूं उसकी एक फर्दर री है यानी कोटा सैंपलिंग में जो तुमने स्ट्रेटास बनाए होते हैं ना उनको भी तुम सब के अंदर डिवाइड कर देते हो ये सबस्ट्रेटा ये भी सबस्ट्रेटा हो गया है ना और अलग अलग टाइम लाइन में आप डेटा कलेक्ट करते हो बस ये है तो ये एज सच कोई टेक्निकल टर्म नहीं है डायमेंशनल सैम्पलिंग इज वॉट इट इज अट इज अ री एन्फोर्समेंट एन एक्सटेंशन ऑफ कोटा सैम्पलिंग इन विच डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आप उसमें से डेटा कलेक्ट करते हो टिपर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर ये याद कर लीजिएगा ठीक है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग अच्छा मीन वाइल कितने दिनों के बाद दो हफ्तों के बाद आज हमारी youtube क्लास होगी ठीक है टुडे 5 पीएम क्योंकि लास्ट में मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था सो so, टुडे 5 पीएम एम यूट्यूब जिसमें हम मैराथन करेंगे यूनिट नाइन की मुझे सबकी सब, सब यूनिट साथ ले लेके चलनी है जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है पांच बजे टाइम पे आ जाना चलो इनमें से कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है मैम कैंसर पेशेंट परपजिस में क्यों नहीं आ सकता इट इज अप टू यू ऐसा कुछ नहीं होता याद रखिएगा मेरी बात कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि रिसर्चर वहीं पे पर लगाएगा सैम्पलिंग आपको एनटीए में क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि मैच तो फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं या ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल या आपको स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी और बोलेंगे बताओ यहाँ पे सबसे सूटेबल सैंपलिंग कौन सी है बेटा हमेशा याद रखना जहां पे भी रैंडम सैंपलिंग हो सकती है जहां पे भी रैंडम सैंपलिंग हो सकती है वहां पे तुम अपनी चॉइस से नॉन रैंडम कर सकते हो ये एक पॉइंट है जो किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा और तुम्हारे दिमाग में समझ में आ जाएगा सबको सोच के देखना कहीं पे भी जहां तुम रैंडम सैंपलिंग करते हो वहां पे तुम अपनी चॉइस से नॉन रैंडम कर सकते हो सपोज जैसे फॉर एग्जाम्पल कन्वीनियंस हमने किया था जैसे मैंने एग्जाम्पल श्याम का दिया था ठीक तो है तो शामदास ने उन्होंने अपनी कन्वीनियंस रैंडमली वो सिलेक्ट कर सकते थे स्कूल लेकिन शामदास ने चूज किया कन्वीनियंस राइट सो इट इज नेवर लाइक एक दायरा नहीं है मतलब हम प्योर साइंसेज में बिल्कुल इसको रिजिड कहते हैं तो एजुकेशनल या सोशल साइंसेस के अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सैंपलिंग जो है वो यूज करो अगर आप मुझे बोलो कि मैम कैंसर पेशेंट के ऊपर क्या जजमेंटल या पर्पज सैम्पलिंग सैंपलिंग नहीं कर सकते कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो आपके ऊपर है ठीक है या आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पे लोग ओपनली नहीं बताते हैं कि उनको कैंसर है छोटी जगह में रहते हो ना या बड़ी जगह में रहते हो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं वहां पे सीक्रेसी बहुत ज्यादा है वहां पे आपको चेन सैंपलिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी आई यू गेटिंग माई पॉइंट सो वेयर थिंग्स आर ओपन सिचुएशन वाइज कैंसर पेशेंट पे आपको करनी है ऑब्जर्वेबल है जजमेंटल लगा लो एक्सेसिबल होना चाहिए ना तभी तो ऑब्जर्व करोगे जहां पे लोग ओपनली नहीं बता पा रहे जगह में सीक्रेसी बहुत मेंटेन्ड होती है वहां पे तुमको चेन सैंपलिंग लगानी पड़ेगी आई होप द डाउट इज क्लियर नाउ सो ये क्वेश्चन में क्या है कि बताइए कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को नहीं बिलोंग करता ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ये रैंडम सैम्पलिंग है ठीक है आई होप सैंपलिंग आज तुमको मजा आया होगा करके टू मिनट अमरी यही है कि हमने सैम्पलिंग कर ली है सैम्पलिंग के हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी कर लिए हैं जिसमें हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसको कि हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं और यहाँ पे हम इसको नॉन रैंडम भी बोलते हैं है ना नॉन रैंडम के अंदर कौन कौन सी मेन है बताएगा कोई मुझे इज जजमेंटल कोटा इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल चेन या स्नोबॉल ओके okay? और उसी प्रकार इसके अंदर आप कर सकते हो फिशबॉल राइट सिस्टमैटिक stratified and multi-stage so I hope you enjoy take care of yourself